अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव के प्रदेश संयोजक विनोद कुमार ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में महासंघ के पदाधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए महासंघ का उपयोग किया है और वह पिछले 5 वर्षों में कर्मचारियों का शोषण करते रहे। उन्होंने कहा कि इस बार पारदर्शित चुनावों के माध्यम से महासंघ के पदाधिकारियों को चुना जा रहा है और जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में महासंघ का कार्यकाल रहा उसे दोहराया नहीं जाएगा और कर्मचारियों के हितों के लिए महासंघ हमेशा तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार कर्मचारी महासंघ के चुनाव में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही है और जिसके पास भी बहुमत होगा उसे समर्थन देगी। उन्होंने आह्वान किया कि प्रदेश के सभी कर्मचारी एक मंच पर आएं ताकि कर्मचारी हित में आवाज उठाई जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों में एक समान वेतन नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हमें सरकार से मान्यता मिली है कि सरकार ने फैसला लिया है कि जिसके पास बहुमत होगा उसी को सरकार मान्यता देगी। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो पूर्व कांग्रेस सरकार से मान्यता प्राप्त था उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने के बाद भी पिछली कार्यकारिणी ने चुनावी घोषणा शेड्यूल जारी नहीं किया और कर्मचारी इस बात से बड़े नाराज थे कि आखिर महासंघ को कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। महासंघ को ऐसे लोगों से छुड़वाया जाए और महासंघ का जो एक पुराना स्वरूप था उसको खड़ा करें, उसको लेकर ही 30 अप्रैल तक हमारा यह प्रयास है कि महासंघ का राज्य कार्यकारिणी गठन हो जाएगा। कुछ कर्मचारी नेता गुटबाजी को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं और हम बधाई देंगे जयराम ठाकुर सरकार को कि कम से कम ये बहुत सालों के बाद हुआ है कि किसी सरकार ने महासंघ के चुनाव में हस्तक्षेप से मना कर दिया है और सरकार का सीधा सा स्पष्ट संकेत है कि कर्मचारी बहुमत से जिसको चुनेगा वो महासंघ का नेता होगा, वो महासंघ की कार्यकारिणी होगी और उसको प्रदेश सरकार मान्यता देगी।